ताजमहल। आज हम ताजमहल के बारे में कुछ अनोखी चीज़ जानेंगे। यमुना नदी के किनारे सफ़ेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। ताजमहल को दुनिया के 7 आश्रयों में शामिल किया गया है और वो 7 आश्रयों में नंबर 1 पर ताजमहल है। हालांकि इस बात को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहते हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया है या फिर किसी और ने, कि या फिर ये इमारत पहले से कुदरती तौर से बनी हुई थी। तो आज कुछ हम जानते हैं। भारतीय इतिहास के पन्नों में यह लिखा है कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। वह मुमताज से प्यार करता था। दुनिया भर में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका मानना है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया था, वह तो पहले से ही बना हुआ था। उसने इसमें हेर फेर करके इसे इस्लामिक लुक दिया गया था। इसे शाहजहां और मुमताज का मकबरा माना जाता है। उल्लेखनीय है, ताजमहल के पूरा होने के तुरंत बाद ही शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब द्वारा अपदस्थ कर आगरा के किले में कैद कर दिया गया था। शाहजहां की मृत्यु के बाद उसे उसकी पत्नी के बराबर में दफना दिया गया। प्रसिद्ध शोधकर्ता और इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक ने अपनी शोधपूर्ण पुस्तक में तथ्यों के माध्यम से ताजमहल के रहस्य से पर्दा उठाया है। तो हम अब वो चीज़ दूसरे पार्ट में देखेंगे।